जबकि किसान अपने खेत में जाकर अपनी मर्जी से कुछ और नहीं बोल सकता, ना कुछ कर सकता। पेट्रोल के, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं आप। आंदोलन से नतीजा निकलेगा, इन्हें सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बीते 8 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब राजधानी में संसद का मानसून सत्र चालू हो चुका है और किसानों ने योजना बनाई है कि किसान संसद भवन के पास किसान संसद का आयोजन कर सरकार पर दबाव बनाएगी। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 200 किसानों को रोज संसद भवन के पास किसान संसद का आयोजन करने के लिए भेजेगा और यह जत्था कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना आंदोलन जो है वहां पर जारी रखेगा और तीनों मांगों के विरोध में आंदोलन को गति दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द किसानों की मांग सरकार मान ले। अब सवाल यह बनता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भाजपा को बंपर जीत हासिल हुई है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसानों की फसलों का MSP पर खरीदा जा रहा है, तो क्या ऐसे में किसानों की मांगों को सरकार मानेगी, यह बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है और अब किसानों ने मानसून सत्र में संसद के निकट किसान संसद के द्वारा आंदोलन को धार देने की कयावत शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों की मांगें मानती है या किसान अपनी मांगों को लेकर यूं ही आंदोलन करता रहेगा। आइए बात करते हैं मेरठ की जनता से। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के नगला मल गांव में और यहां पर मौजूद है कुछ किसान, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं। जो 3 कानून हमारी सरकार लाई है, इसमें बहुत इतनी ज्यादा कमियां हैं जो कि अगर ये लागू हो गए तो सारी हमारी खेतीबाड़ी पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। क्या होगा कि ये एग्रीमेंट करेंगे हमारी जमीनों का और हमें उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के हिसाब से फसल उगानी पड़ेगी और फिर वही हमारा दाम तय करेंगे कि हम इस दाम में आपकी फसल को लेंगे। जबकि किसान अपने खेत में जाकर अपनी मर्जी से कुछ और नहीं बोल सकता, ना कुछ कर सकता, जिसका टाइम पीरियड इतना ये रख देंगे। शुरू में थोड़ा बहुत लालच देकर हमारी जो जमीन है, अपनी जमीन, उसे भी ये पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। तो कानून तो वापस होने चाहिए, फायदा तो होगा। देखो, किसान ने इतना प्रदर्शन करा है, सरकार हिली है, बहुत हिली है। अगर किसान चाहे तो सरकार को कल घेर दे, अगर अपनी सिपाह जाए। वो बात आपकी ठीक है, बंपर जीत मिली है, लेकिन उसमें भी कारण है कि हम किसी और पार्टी को भी वोट नहीं दे सकते। उसमें कारण ये है कि जो दूसरी पार्टी है वो जातिवाद पे लड़े हैं ज्यादातर, कहीं से कहीं तक भी उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, कोई सोचना उनका तो वो बिल्कुल जीरो है। इसी थोड़ा बहुत सोच तो ले वो थोड़ा बिल्कुल। देखो सुनो, ऐसी बात नहीं है सरकार सभी काम गलत कर रही है, सरकार ने काम करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, जब कोई भी अपना ही घर का मुखिया भी थोड़ा गलत चले तो आदमी उसका भी विरोध करे, लड़के विरोध करें, बच्चे विरोध करें कि जी ये बात आपकी यहाँ हमें उचित नहीं लग रही, इस काम को बदलो। मैं इस कानून के खिलाफ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों के लिए ये कानून नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस कानून से बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि सरकार के जो फायदे हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा नुकसान भी हैं। बिजली की दरें, डीजल पेट्रोल और उर्वरक हैं, दवाइयां हैं, वो सभी महंगे हो चुके हैं। इसलिए सरकार को इन कानूनों को पीछे हटकर किसानों से सीधी सीधी बात करनी चाहिए और किसानों के पक्ष में रहना चाहिए। किसानों को फायदा होगा जी इससे? किसान को आंदोलन करना चाहिए। महंगाई इतनी हो चुकी है, बहुत चरम पर पहुंच चुकी है महंगाई, और किसान के जो फसल हैं उसके उचित दाम नहीं मिल रहे। अब गेहूं को आप देख लीजिए, 1400-1500 बिक रहा है, तो किसान के तो डाउन हो रहे हैं फसल के रेट, और डाई, यूरिया, डीजल आप देख लो आसमान छू रहे हैं। MSP पे इन्होंने फसल खरीद दी है जी कुछ, लेकिन कुछ खरीदने के बाद में फसल को इन्होंने फिर क्या करा कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा जनसेवा केंद्र पर किसान, तो उन्होंने कह दिया जनसेवा केंद्र वालों ये साइड नहीं चल रही। तो किसान की जो फसल है वो MSP पे पूरी इन्होंने नहीं खरीदी। किसानों के पास अब भी बाकी फसल बची हुई है, जो किसान मजबूर होकर
1400-1500 रुपए कुंटल गेहूं को अपने को बेच रहा है जिस टाइम। आंदोलन से नतीजा निकलेगा, इन्हें सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अंग्रेजों के शासन में भी 9 महीने तक आंदोलन चला था और ये भी आंदोलन चाहे कितना लंबा खिंचाए, यहाँ सरकार को पीछे कदम हटाना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार अपने हर हथकंडा अपना रही है काफी दिनों से। हमने देखा है आंदोलन में कि कैसी, चाहे बदनाम किया जाए किसान को, चाहे कोई आरोप लगा जाए, आंदोलन खत्म हो। सरकार की मंशा अगर ये होती कि ये आंदोलन खत्म हो तो सरकार किसानों की बात सुनती और उनकी बात मानती। मैं एक दो यहाँ मैं दो प्रश्न भी खड़े करता हूँ। सरकार ने पहले ये कहा था कि हम जीरो बजट खेती करा रहे हैं किसान को, तो कैसे विश्वास होगा? सच्चाई तो यह है, अब सरकार के मंत्रियों पर किसानों को विश्वास ही नहीं रहा। जीरो बजट खेती कैसी हो सकती है? आप डीजल के रेट देख लिए कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं आप, और उसके बावजूद सरकार बार बार कह रही है हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आप डीजल पेट्रोल के रेट सबके बढ़ा रहे हैं, 4-4 साल से आप गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ा रहे। तो बात यह है कि अब किसानों को सरकार पे विश्वास ही नहीं रहा, इसीलिए आंदोलन ये मजबूर होकर आगे बढ़ रहा है। आंदोलन ये हटने वाला नहीं है, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन हटने वाला नहीं है। बिल्कुल किसान को उम्मीद है, इसीलिए संसद पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखो, उम्मीद रहती तभी आंदोलन भी किया जाता है। ये तो सरकार की कमी है, जो अब तक किसानों की उम्मीदों पर वो खरा उतर नहीं पा रही है सरकार। ये तो सरकार की कमी है। देखो, ये आंदोलनकारी जितने भी हैं, ये तो आंदोलनकारी शुरू से ही परंपरा चली आई है और आंदोलन होते चले आए हैं। अब किस पक्ष में होने, किस पक्ष में नहीं होने, एक बार यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। एक बार आंदोलन हुआ था लखनऊ में, चाहे कोई सी पार्टी करे, चाहे किसान करे, कोई भी करे, तो राजनाथ जी ने सीधा उन्हें अपना मेहमान और देवता भगवान बताया था। लेकिन आंदोलनकारी थे वो, जब आंदोलनकारी होंगे तो सरकार ऐसा नहीं है कि उनसे बात ना करे। एक बार उनसे सरकार हर आदमी से बात करने को तैयार है। मेरा मानना यह है कि MSP क्या चीज़ है, पहले मुझे ये समझोगे MSP है क्या, किस MSP की बात कर रहे हैं। आज किसान इतना जागरूक कर दिया है कि अपने माल को कहीं भी जा करके, किसी जगह भी जा करके स्वयं खुद बेच सकता है, उसमें कोई पाबंदी कर्फ्यू नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। तो कहना मतलब यह है, जो सरकार कार्य कर रही है वो 100% ठीक कर रही है और उसके हम साथ सहमति में हैं। और रही बात महंगाई की, डीजल पेट्रोल महंगा तो हो रहा है लेकिन सरकार उस पर ध्यान दे रही है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगी। ये फायदे में है, किसान हित में है, अगर उसको किसान सोचे समझे। मैं तो उसमें 100% संतुष्ट हूँ। आज डीजल वगैरह महंगा है, बिजली के बिल बहुत हाई फाई हो गए, किसान का गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, और भी कोई वैसे जो खाद भी महंगा है, मिल भी नहीं रहा, डाई भी महंगी है, और बिजली बहुत हाई हो गई जी। आंदोलन से तो अपना अधिकार है जी, आंदोलन करने का, फायदा है नुकसान तो बात कीजिए। MSP वाला जो मुद्दा है, ये तो लीगल है इनका, इसको तो मान लेना चाहिए सरकार को, इसे कानूनी रूप दिया जावे। जैसे गेहूं अभी 1970 बिक रहा, 1975 सरकार का रेट है, आज 1400 रुपये बिक रहा, तो इसको तो कानूनी जामा पहराया जावे। अगर कोई 1975 से गेहूं कम खरीदता, उसे सीधा कानून में लाया जावे, और जो उसके कानून है भाई, ये जो इकट्ठा खरीद की जो कानून बनाया है इन्होंने, कि भाई कोई भी एक व्यापारी जितना गेहूं खरीदना चाहे, जितना दाल खरीदना चाहे, वो तो स्टॉक कर लेगा, फिर बाद में अपनी मर्जी से बेचेगा, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, तीनों तो नहीं, एक दो तो मांगनी चाहिए, दो तो माननी चाहिए। किसान चाहे वो किसी भी जाति का है, गुर्जर है, जाट है, या ठाकुर है, हरिजन है, लेकिन एक किसान बिरादरी है। ये किसान अपनी कुछ गलतियां सरकार की देख के तभी इस कानून को वापस लेने की मांग करी होगी। देखो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर किसान दिन प्रतिदिन इस सरकार में नीचे के लिए जा रहा, नीचे ही जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करने के पीछे सरकार लगी हुई है, लेकिन दो गुना करने के बजाय और पहले में से भी कम होता जा रहा है। क्यों? कि किसान काहे काहे की पूर्ति करे, बिल किसान पे इतना आ रहा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं, घर का बिल, कुएं का बिल, रसोई का गैस और डीजल पे इतने पैसे बढ़ गए कि किसान अपना अंजन भी चलाने और ट्रैक्टर चलाने से भी मजबूर हैं। तो
और आंदोलन की दिशा में तो किसान की मजबूरी है कि आंदोलन तो करना ही पड़ेगा।